आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। शहडोल जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही है। संक्रमित मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। ऐसा ही एक मामला उस वक्त प्रकाश में आया जब एक मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली तो वह 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर अस्पताल में भर्ती होने जा पहुंचा है। शहडोल के पांडव नगर वार्ड नंबर 7 में रहने वाला धर्मेंद्र सेन एक कपड़े की दुकान में दिहाड़ी मजदूर है। धर्मेंद्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो परिवार वालों के साथ वो खुद दहशत में आ गया। पड़ोसी और मोहल्लों को लेकर दह मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती होने के लिए दबाव बनाने लगे। इधर मेडिकल कॉलेज से बताया गया कि एम्बुलेंस आने में समय लगेगा। मोहल्ले के लोगों के दबाव के चलते धर्मेंद्र ने साइकिल में ही अपने कपड़े और अन्य जरूरी सामान रखा और मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए साइकिल से निकल पड़ा। कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी वह शहर के बीच से निकलते हुए मेडिकल कॉलेज पहुंचा। इस बीच वह रास्ते में भी रुका, जो वीडियो में साफ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, उसने चेहरे पर ढंग से मास्क भी नहीं लगा रखा था। धर्मेंद्र का कहना है कि उसे मेडिकल कॉलेज से भर्ती होने के लिए फोन आया था। गाड़ी आने में ज्यादा देर हुई तो उसने कहा कि वो साइकिल से आ सकता है। मेडिकल कॉलेज वालों ने उसे अनुमति भी दे दी। इस पूरे मामले पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश पांडे ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मरीज को एम्बुलेंस का इंतजार करना चाहिए। अपने साधन से तो उसकी अपनी कम्युनिकेशन गैप के कारण गया, वो या तो हमको उसको समझा नहीं पाया या उसके पते तक हम पहुंच नहीं पाए किसी और गलतफहमी से। परंतु ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कोई एम्बुलेंस के बिना और उसको जाने के लिए बाध्य किया जाए। विडम्बना यही है कि साधन संसार होने के बाद उसको नहीं मिला, साइकिल से गया है। साइकिल से गया है तो वो उसने हमको पूरी तरह से अवगत नहीं करा पाए, और अगर उसको दूसरी अगर हमको चार जगह जाना है तो कहीं ना कहीं हम पहले पहुंचेंगे, उस चौथी जगह बाद में पहुंचेंगे। तो इसमें जब तक जनता का सहयोग हमारे साथ नहीं होगा, जनता की समझदारी नहीं होगी, तो हम इस तरह की घटनाओं को नहीं रोक पाएंगे।